भारत प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में चीन जेकोसी प्रकार अनुप्रवेश और आर्थिक करिडर ना विस्तारवाद नीति उपर लगे लगाम एमती सामुद्रिक क्षेत्र जहां सामरिक और आर्थिक दृष्टि खूब गुरुत्वपूर्ण चीन एक क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही मनमानी भी करठारे क्वाड ग्रुप देश एमती सुरक्षा चक्रव्यूह प्रस्तुत करने राजी होती जहाँफल भविष्य चीन रु षड्र विफल हो क्वाड नजर रे चीन विपद चीन सामुद्रिक षड्र रोक क्वाड क्वाड रारि बंधु सी को देवे चेक क्वाड देशर शक्तिर अनुमान एवं सी जिनपिंग भी कर सारी कारण भारत आमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान जो क्वाड ग्रुप को मिनी नाटक ही चीन खारज करुथिला एबे सेई चारि देश मिसी चीन एवं तार विस्तारवाद नीति को रोकिबार रणनीति सह आग को बढ़ुछंती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिका रे भव्य स्वागत करा जिबा परे तांकर क्वाड सम्मेलन रे संबोधन पड़ोसी चीन और पाकिस्तान उभय को बड़ मेसेज देछि। नमस्कार मु वंदिता चलंतु एने आरंभ करिबा आजर स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान यही ना सारा विश्वर सबुठू अधिक उच्चारण करा ना यही ना जहाँ तमाम विश्ववासी प्रथम पसंद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आमेरिका गस्त कर भारतीय समुदाय को कर संबोधन एथसह विभिन्न कंपानी सीईओ को भेटी नुआ भारत विकास धारे सामिल होवेदन देखते रिपोर्ट। सातधरिया पारी करी आसी चित्र ये से ही चित्र जहां सारा दुनिया रे भारत उपस्थिति को दर्शाऊ The whole arena was full of energy, so much vibrancy. It is outstanding. We are very good job doing he is, and he's excellent for the India. And we all know that the Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi, is such a good speaker. Everyone seemed to be inspired as they leave the auditorium. We love Modi. We love Modi. Modi ji ka neta to मिलना ही मुश्किल है। मेरे भगवान मिल गए ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मोदी जी चाहिए। देख लिया मेरे को सपना पूरा हो गया। जितेबले प्रधानमंत्री अमेरिका रो फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट रे पहुंचले ढोल नगाड़ा सहित कले सबुठू प्रसिद्ध नेता को स्वागत। यहाँ पर प्रधानमंत्री क्वाड सम्मेलन में जोग देवाई डेलावेर बाहरी पड़ी जहां राष्ट्रपति बाइडेन को सहर अमेरिका राष्ट्रपति मोदी भव्य स्वागत कले। जो भाई दुई नेता आलिंगन है जो भाई बाइडेन मोदी को पछोटी ने दुई देश मधे मजबूत संपर्क को प्रतिपादित ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका और भारत टॉलेस्ट फिगर मध्य क्वाड सम्मेलन रे हला अभूत साक्षात। तबे क्वाड सम्मेलन रे कौन हला क्वाड सदस्यों शत्रु विरोधी स्ट्रैटेजी कौन क्वाड नेता आगामी कार्यपंथा कौन से विषय आउ किसी समय पर आम आपको विस्तृत भाव में कहू पूर्वर प्रथम नजर पकातु भारतीयों सहित मोदी से भव्य साक्षात जहाँ अपेक्षा कर समग्र आमेरिका। भारत माता के नमस्ते यूएस। मोदीमय है न्यूयॉर्क सात समुद्र पार भारत जय जयकार। भारत माता के खचाखच भिड़ भितर जितेबले मंच ऊपर मोदी ठिया हेले समग्र स्टेडियम मोदी मोदी नारा रे प्रकंपित हो उठिला।
सर्वप्रथमे मोदी सेठार उपस्थित थिबा लोकंकु धन्यवाद देले। यहाँ पर भारत और अमेरिकार मजबूत संपर्क पई सेठार थिबा भारतीय समुदाय रथिबा अवदान विषय कहिथिले प्रधानमंत्री मोदी। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। प्रधानमंत्री मोदी संबोधन में भारत अनेकतार एकता को दर्शाई और यह भारत सबुठ बड़ शक्ति भाव प्रतिपादित करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यहां इस हॉल में ही देखिए, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, तो कोई कन्नड़ा, कोई पंजाबी, तो कोई मराठी और तो कोई गुजराती। और अब 2024 में ये अवसर रे एआई सभ्यता को मध्य एक नुआ परिभाषा देछंती प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पर भारत और अमेरिका संपर्क को जोड़ी छंती नमो। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। मैं आप सभी को, इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं। आई सैल्यूट यू ऑल। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका रे रहुथिबा भारतीयों के सामने भारत रो विकास यात्रा विषय रे मध्य आलोकपात करिछन। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत में है और इसका हर दिन विस्तार हो रहा है। साथियों, 2014 में भारत के सिर्फ 70 शहरों में, 70 शहरों में एयरपोर्ट्स थे, आज 140 से ज्यादा शहरों में एयरपोर्ट है। में 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी थी, 100 से भी कम। आज 2 लाख से भी ज्यादा पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। 2014 में भारत में
140 मिलियन यानी 14 करोड़ के आसपास एलपीजी कंज्यूमर थे, आज भारत में 310 मिलियन यानी 31 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर है। जिस काम में पहले सालों लग जाते थे वो काम अब महीनों में खत्म हो रहा है। इस अवसर में अमेरिका राष्ट्रपति करिथिबा भव्य स्वागत विषय में कहिबा को भूली नाहंती प्रधानमंत्री मोदी। याकु 140 कोटी भारतीयों को पाई गर्व बोली कहिछंती मोदी। प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे, उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। या सहित मोदी कहते जे 2024 रो भारत जितेबले कहुची सारा दुनिया ताकू सुनुची। गत 10 वर्ष रे भारत रे 25 कोटी रु अधिक दारिद्र्य सीमारेखाटारु ऊपरकु उठिछंती। यहा सेतिपाई संभव होईची कारण सेमाने पुरुणा भावना को बदलाइछंती आ गरीबन को शक्तिशाली करबा पाई मोदी सरकार करिछंती बड़ प्लान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। एबे नै जिबा एक छोटो ब्रेक, ब्रेक परे देखिबा चीन विरोध रे चारि महाशक्ति। ब्रेक परे स्वागत। सहभागी गणतांत्रिक मूल्यबोध आधार में मिलित भावे कार्य करिबा समस्त मानवीकता पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। क्वाड सबुदिन पाई अछि एवं एहा कहा विरोध रे नुहे। क्वाड नेता माने नियम भित्तिक अंतर्जातीय व्यवस्था एवं सार्वभौमत्व प्रति सम्मान रा सपक्ष रे अछन्ति। अमेरिका रे अनुष्ठित क्वाड सम्मेलन रे जोगदे एपरि कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। चीन रा विस्तारवादी नीति को खत्म करबाकु क्वाड नेता माने होइछन्ति प्रतिज्ञाबद्ध। एबे प्रश्न उठुछि जे चीन विरोध रे जेउ चारि महाशक्ति एकाठी होइछन्ति ता भविष्यत पई एक बड़ चैलेंज सब्यस्त हेबो। कारण क्वाड नेता जदि किछि पदक्षेप नियंती तेबे चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग, रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया एक छत्रवादी शासक किम जोंग उन एवं ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमिनेई सह मिसी निश्चय एक बड़ रणनीति प्रस्तुत करिबे। अर्थात गोटिए पटे चारि महाशक्ति एवं अन्य पटे भी चारि महाशक्ति, अर्थात चारि भर्सेस चारि मध्यरे हेबो कड़ा टक्कर जहार परिणाम तृतीय विश्वयुद्ध भली विपद को मध्य डाकी आनी पारे। देखते रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री आंथोनी अल्बानीज, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा एवं भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्वर नुआ व्यवस्थार चित्र आपणंक स्क्रीन ने। चीन और पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मेसेज। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनाव और संघर्षों से घिरा हुआ है, ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। क्वाड्रो डेलावियर सम्मेलन होईची ऐतिहासिक।
क्वाड सदस्यंकर मिजाज एहा प्रतिपादित करुछि जे सारा विश्वरे जेउठि भी किछि गड़बड़ हेबो ताहार समाधान हिंसा द्वारा करा जाई पारिबो नाही। तबे क्वाड सम्मेलन ने कौन हेला ताहा विस्तृत भावरे जानिबा पई पांचोटी पॉइंट उपरे नजर पकांतु। पॉइंट नंबर एक, क्वाड रे चीन को निशाना। केवल भारत पड़ोशी भावरे नुहे, जापान शत्रु भावे, अमेरिकार प्रतिद्वंदी भावे एवं ऑस्ट्रेलिया रो हितरे लागिथिबा आघात भावे चीन रो विस्तारवादी नीति दक्षिण एशिया पई भयंकर विपद डाकी आनिछि। तेबे क्वाड रे चीन प्रसंग उठिला, जोरदार उठिला। द्वितीय रे कोस्टगार्ड और सैन्य जहाजर व्यवहार को निंदा करा गला। तृतीय रे सामुद्रिक सीमा विवाद को नहीं अनक्लस नियम अधीन रे समाधान करबा को सहमति प्रकाश हला। आमे जानुछु जे सी जिनपिंग घरोई आर्थिक चैलेंज उपरे फोकस देबा को चाहुचंती एवं चीन ने अशांति कम करबा पई चाहुचंती। राष्ट्रपति जिनपिंग बेजिंग रो हित को आक्रमणात्मक उपाय रे आगो को बढ़ाइबा पई निजो लागी किछि कूटनैतिक स्थान खोजुचंती। लगातार भावरे चीन आक्रमणात्मक हेउछि। तबे बाइडेन को एही बयान एथि पई गुरुत्वपूर्ण जे पूर्व ओ दक्षिण चीन सागर रे हेउथुबा विवाद रे चीन शामिल अछि। समग्र दक्षिण चीन सागर रे बेजिंग निजर सार्वभौमत्व प्रतिष्ठार दाबी करि आछि। अन्यपटे किंतु भियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई एवं फिलिपाइन्स भली दक्षिण पूर्व एशियार देशगुड़िक चीन एही दाबी को निराधार कहुछंती। क्वाड नेतामानंकु बाइडेन स्पष्ट भावरे चीन विषय रे कहिछंती। बेजिंग समस्तंकु परीक्षा करुथुबा कहिछंती अमेरिका राष्ट्रपति। तेबे सारा विश्व पई केवल चीन विपद नुहे, बरं उत्तर कोरिया निजर मिसाइल पई मध्य रेड राडार रे रहिछि। तेणु क्वाड रे एने मध्य आलोचना करिछंती विश्वर चारि महाशक्ति। क्वाड होची गोटे अमेरिकन डिजाइन टू कंटेन द राइज ऑफ चाइना, किंतु जदियो एटा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव थिला, किंतु एथेरे दीटा पार्टनर अमंग दिस फोर पार्टनर्स दैट इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वी आर नॉट क्वाइट हैप्पी विद द अमेरिकन एजेंडा कि गोटे चारिदेशीय गोटे अरेंजमेंट करा जीवो ओनली टू कंटेन द राइज ऑफ चाइना। तेणु क्वाड को गोटे ऑल इंक्लूसिव बा गोटे एक्सपांडेड एजेंडा दिगला जोटा कि व्हिच विल कैटर टू द डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडो पैसिफिक कंट्रीज। इंडो पैसिफिक कंट्रीज कहले वन कैन इमेजिन फ्रॉम इंडियन ओशन अप टू ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग फिजी, नाउरू, ऑल दोज स्मॉल कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंक्लूडिंग जापान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, एंटायर रीजन। तेबे क्वाड रे द्वितीय प्रसंग जहाँ उपरे आलोचना होइछि ताहा हेउछि उत्तर कोरिया। वर्तमान उत्तर कोरिया चीन, रूसिया और ईरान सहित अस्त्रशस्त्र कारबार करुछि। किम जोंग उन ए सबु जरिया रे केवल एशिया महादेश रे नुहे बरं सारा विश्व रे अशांतिर घिओ ढाळुछंती। तेणु क्वाड सम्मेलन ने उत्तर कोरिया को नहीं जो आलोचना हेउछि ताहाकु तीनिटी पॉइंट रे बुझिबार प्रयास करंतु। प्रथम, बालिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रो निंदा करा जायछि। द्वितीय, आलोचना टेबुल को आसिबा पई कहा जायछि। तृतीय, कोरिया उपद्वीपरु परमाणु हथियार को नष्ट करबा उपरे गुरुत्वारोप करा जायछि। उत्तर कोरिया लगातार जापान रो सीमा पाखरे बालिस्टिक मिसाइल परीक्षण करिथाय। दुई देश हेउछंती चीर शत्रु आउ सेथि पई दुई देश मध्यरे लगातार विवाद लागि रहिथाय। क्वाड सम्मेलन ने जो तृतीय बड़ प्रसंग विषय आलोचना हेला ताहा हेउछि सारा दुनिया को चिंता रे पकाइथिबा रूसिया युक्रेन युद्ध। दीर्घ अढ़ई वर्ष धरी जारी रहिथिबा एही युद्धर अंत खूब शीघ्र जे हेबो से नै कोनोसी आभास मिलू नाही। एही युद्ध अमेरिका समेत पाश्चात्य देश को फसाई देछि। एभली स्थिति रे एही युद्धर समाधान पई टेलापियर थारू बा उचित स्थान आउ कौन होई पारे एही प्रसंग रे दीर्घ समय धरी आलोचना होई नथिले भी केमिति अंतर्जातीय नियम आधार रे समाधान करा जिवो से नै सहमति प्रकाश पाइछि। गुरुत्वपूर्ण एहा जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युक्रेन यात्रा को ऐतिहासिक कहिछंती अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन। पीएम मोदी को शांति और मानवीय सहायता वार्ता को प्रशंसा करिछंती बाइडेन। एहा पूर्वरु प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन को निजर युक्रेन यात्रा विषय रे सविशेष तथ्य प्रदान करिथिले। मोदींकर युक्रेन गस्त परे राष्ट्रपति पुतिन शांति कायम रखिबा एवं मोदींकर मध्यस्थता विषय रे कहिथिले। ए विषय रे डिटेल्स आगो।
କ୍ୱାଡ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ବିଷୟରେ ଉଠିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ। କ୍ୱାଡ୍ ନେତାମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନକୁ ସିଧା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୁଧୁରି ଯାଅ, ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଲଗାତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ସମୁଦ୍ରରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କରୁଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଚୀନ କେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜାହାଜ ମହଜୁଦ ରଖୁଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ସେନା ମୁତୟନ କରୁଛି। କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଭୟ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଛି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ପ୍ରଥମ, କ୍ୱାଡ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, 26/11 ପଠାନକୋଟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ 9/11 ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ପଠାନକୋଟ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣରେ ସିଧାସଳଖ ରହିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ହାତ। ସେହିପରି କ୍ୱାଡ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ୟୁଏନ୍ଏସିରେ ସୁଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମ, ୟୁଏନ୍ରେ ସୁଧାରକୁ ନେଇ ମିଳିତ ବୟାନ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁଏନ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ୟୁଏନ୍ଏସିରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ, ଏସିଆ ଓ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏବଂ ହମାସର ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଡ୍ ନେତାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରେ ନେତାମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁନ୍ସଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୱାଡ୍ ନେତାମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁନ୍ସଟ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ। ଏଥିରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋକିବା ପାଇଁ 7.5 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଓ 4 କୋଟି ଟିକା ଡୋଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେଡିଓଥେରାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ମେ ଭି ଭାରତ ସହଯୋଗ ଦେଗା। ମୁଝେ ଖୁସି ହେ କି ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ ଦେଶୋ କେ ଲିଏ ଗାଭି ଅର୍ କ୍ୱାଡ୍ କି ପହଲୋ କେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତ ସେ 40 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋସିସ୍ କା ଯୋଗଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ 2017 ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ୱାଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତ ପାଲଟିଛି ମହାଶକ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ର ଦବଦବାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଚାବି ରହିଛି ଭାରତ ପାଖରେ। କ୍ୱାଡ୍ ହେଉଛି 4 ଦେଶର ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି 4 ଦେଶକୁ ନେଇ ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ସଂଘ ଯେଉଁଠାରେ ରଣନୀତିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାପନା 2007 ଜାପାନର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ କରିଥିଲେ। ଚୀନର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। 2017 ଏହାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରି ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ୱାଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 2025 ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତରେ କରିବାକୁ ନେତାମାନେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନେତାମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୱାଡ୍ର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପିଏମ୍ ମୋଦି କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ମୁଁ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କ୍ୱାଡ୍ର ଇତିହାସ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ପରମ୍ପରାରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛେ ତାହା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ। Protection from piracy, protection against expansionism. So, ee sabu agenda bhitare containment of China remains one of the most open secrets of this arrangement. Tenu jaha siti matavyakta karajaichi, they are very lowest common denominators, where there is agreement that all kinds of terrorism is bad, and the region needs to be denuclearized, particularly the Korean Peninsula, because eguda ko huchi Indo Pacific region hot spots, joti ki even China ro role ko nei kribi kotha kuha jaichi, particularly keeping the Taiwan Strait
इन माइंड। सम्मेलन पूर्व डेलावियर में बाइडेन मोदी को आलिंगन कर स्वागत करते दुई नेता प्राय एक घंटा धरी द्विपाक्षिक आलोचना होता। आलोचना समय जातिसंघ में भारतर स्थायी सदस्यता को समर्थन करते आमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन दुई नेता ड्रोन डिल को नहीं मध्य आलोचना करडेन डिल को नहीं भारत को स्वागत कर भारत आमेरिका ठार 31 MQ-9B स्काई गार्डियन और सी गार्डियन ड्रोन किणवाई प्रक्रिया जारी रखी। एक ड्रोन मूल्य प्राय $3 बिलियन। क्वाड अर्थ आमेरिका जापान भारत और ऑस्ट्रेलिया को नहीं एमती एक गोष्ठी जहां चीन बढ़ुवा सामरिक शक्ति और यह बल भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में बढ़ुवा तार दादागिरी और पड़ोसी देश को धमकवा लगी तार उद्यम को काउंटर करने लगी या चीन और पाकिस्तान बदमाशी उपरे लगाम लगाइबा पाई एक शक्तिशाली तथा सुदृढ़ प्लेटफॉर्म है क्वाड। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। क्वाड ग्रुप एक कथा को नहीं प्रतिबद्ध जे इंडो पैसिफिक रीजन अर्थात भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में आसुथिबा देश विरोध में चीन षड्यंत्र को सब परिस्थिति रे रोकाजिव। यही अंचल चीन आक्रामक रूप देखा चीन यही अंचल प्रभुत्व जाहिर करने उद्यम अच्छी। भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र व्यवसाय और सामरिक दृष्टि बेस गुरुत्वपूर्ण तेणु क्वाड्र चारिटि देश मिसी चीन को रोकवाई आमेरिकार करुछंती बड़ प्लानिंग। समय सरी आज स्पेशल रिपोर्ट को ये रखु। नमस्कार।